नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने संयुक्त रूप से एमएसपी की लीगल गारंटी हो इसको लेकर एक नेशनल कन्वेंशन किया था। इसमें कई अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। इसमें पूर्व एनडीए सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे सोमपाल शास्त्री भी शामिल हुए। इसके अलावा किसान संगठनों के बड़े नेता शामिल हुए और इन्होंने मांग किया, और खासकर विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल हुए। इन्होंने विपक्षी सांसदों से भी मांग की है, जो आप सरकार अगर कानूनी गारंटी एमएसपी की नहीं देती है, नहीं कानून लेके आती है, तो आप प्राइवेट बिल लेके आइए और उस पर चर्चा करिए। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो पिछले 150 से अधिक दिनों से ये हरियाणा बॉर्डर, संभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर में बैठे हैं, जहां हरियाणा की पुलिस प्रशासन इनको रोक के रखा है, वहां ये बैठे रहेंगे और जिस दिन वो रास्ते खुलेंगे दिल्ली आएंगे, और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा अगले 2-3 महीने में आंदोलन कैसे चलेगा इसको लेकर भी यहाँ की लीडरशिप ने ऐलान किए हैं, जो भविष्य में उनका कार्यक्रम कैसे चलेगा। तो हमने किसान मजदूर यूनियंस के लीडरों से बात करी है, समझने का प्रयास किया है जो अभी तक का आंदोलन उनका कैसे चल रहा है, और सरकार की जो इन प्रतिक्रियाएं हैं उस पर वो लोग क्या सोच रहे हैं, और भविष्य में उनका आंदोलन किस तरीके चलेगा और उसके अंदर जो चुनौतियां हैं वो उनको कैसे देखते हैं। सुनिए पूरी बातचीत में किसान नेताओं ने और एक्सपर्टों ने क्या कहा है। आंदोलन तो जब 2020 में शुरू किया था हमने तो स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था, और इस भरोसे पे खत्म किया था कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें एमएसपी खरीद का गारंटी कानून दिया जाएगा। लेकिन सरकार अपने वादे से पलटी, हमने बहुत मौके दिए, फिर हमने सोचा अब देर कर दी और देर हो जाएगी, फिर हमने मूड बनाया, फैसला किया और हम आंदोलन में कूद पड़े। हमारा काम केवल आंदोलन करना है और जनता को जागरूक करना, अवेयर करना है। जिस तरीके से एमआरपी जरूरी है उस तरीके से किसान के लिए एमएसपी जरूरी है। सरकार के 5 बेटे होते हैं, एक किसान, एक मजदूर, छोटा व्यापारी, सर्विसमैन, उसके बाद कॉरपोरेट। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, सरकार को 2 बेटे प्यारे हैं, सर्विसमैन, उसके साथ कॉरपोरेट। सर्विसमैन के लिए 7th पे कमीशन लागू हो गया, 8th की तैयारी करने डिमांड कर रहे हैं, और कॉरपोरेट को 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर दिया गया, और तरह तरह की सब्सिडी, जमीन उनको मिल जाती है 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लीज पे, ऊपर लोन दिया जाता है, फिर वो आराम से भगा दिए जाते हैं। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी तीनों पिस रहे हैं। कि जब तक किसान को उसकी एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक मिडलमैन की लूट बंद नहीं होगी। देखिए, सरकार एमएसपी दे नहीं रही है, सरकार केवल एमएसपी घोषित कर रही है, वो भी गलत फार्मूले के अनुसार कर रही है। हमारा कहना यह है कि C2+50% के हिसाब से जो संपूर्ण लागत होती है CACP के अनुसार C2 लागत है, उसके ऊपर 50% जोड़ करके घोषित हो, पहली पार्ट। दूसरा, जो घोषित हो वो हर हालत में लीगल गारंटी के तहत मिले, यानी कि जो एमएसपी घोषित होगी किसी फसल की, मान लो 2000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित हुई, तो कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे उस फसल को नहीं खरीदे, ये हमारी बेसिक मांग है। इसमें ये नहीं कह रहे कि सारी फसल सरकार को खरीदनी है, केवल एक बार लगा दिया जाए, जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट होता है, ताकि जो सरकार को खरीदना है फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए या आंगनवाड़ी के लिए या अन्य रिक्वायरमेंट के लिए, वो खरीदती रहे। लेकिन बाकी जो है प्राइवेट व्यापारी भी जो है एमएसपी वाले रेट से नीचे ना खरीदे, ऊपर खरीदना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सी मांग है, इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा सरकार का नहीं आना है। आज की जो किसान सम्मेलन है जो रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, दोनों फोरमों की तरफ से, किसान मजदूर मोर्चा और SKM नॉन पॉलिटिकल की तरफ से, कि जो विपक्ष ने बोला था कि हम एमएसपी गारंटी कानून के लिए लेकर आएंगे, तो हमने उनको बोला कि आप प्राइवेट बिल लेकर आएँ उसके ऊपर चर्चा है, और अन्य जो हमारी 12 मांगे हैं, जैसे किसान मजदूर का कर्जा मुक्त है, MSP C2+ गारंटी कानून है, तो मनरेगा मजदूरों के लिए 700 रुपये पर दिन की दिहाड़ी और 200 दिन की जो दिहाड़ी का काम है, जो WTO से बाहर आना है, जो बिजली एक्ट से है, लखीमपुर के शहीद किसानों को इंसाफ दिलवाना है, और आदिवासियों के लिए जो एक विशेष मांग है 5वीं सूची के लिए, तो ये उन्हीं सब के ऊपर चर्चा है और पूरी देशव्यापी चर्चा है, पूरे देश से किसान यहाँ पर आ जुटे हैं। ये जो डिमांडें हैं हमारी, ये किसान की लाइफ लाइन की डिमांडें हैं, किसान को जिंदा रखने की डिमांड्स हैं, और किस सरकार ने हमारे साथ किए हुए वायदे हैं, अलग से हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो अगर सरकार एक बार वायदा कर ले, बाद में उसको लागू ना करे, उसके ऊपर लागू करवाने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये मांगे मतलब मानी नहीं जाती। बात पेट की आ की है,
अगर और कोई बात होती ना कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे होते तो शायद इतना लंबा ना चलता। बात हक की है, बात पेट की आ की है, तो इसके लिए तो एक साल हो जाए, वो जो 2 साल हो जाए। देखिए अभी हमारा 1 तारीख को 1 अगस्त को देशव्यापी कार्यक्रम है, देश के सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे होगा। जिस तरीके से किसानों पे गोलियां चलाने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने की सिफारिश हरियाणा की भाजपा सरकार ने करी है उसके खिलाफ और MSP गारंटी कानून के हक में हम एक बड़े मार्च पूरे देश भर में जिला हेडक्वार्टर पे किए जाएंगे और उसके बाद भाजपा सरकार का पुतला फूंका जाएगा। ये सब जगह होंगे पूरे देश में, हर जिले में। 15 अगस्त को पूरे देश भर में हर जिला हेडक्वार्टर पे ट्रैक्टर मार्च होंगे और उसके अलावा जो ये नए कानून ये BNS लाए गए हैं इनकी कॉपियां जलाई जाएंगी। उसके बाद हमारी 1 सितंबर को बड़े सतर पे एक राष्ट्रीय रैली उत्तर प्रदेश के संबल में हो रही है। उसके बाद 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले में हो रही है। उसके बाद 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हो रही है। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया है उस भारतीय जनता पार्टी को आगामी हरियाणा के इलेक्शन में, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, अन्य राज्यों के इलेक्शनों में देश का किसान सबक सिखाने का कार्य करेगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको ग्रामीण एरियाओं में किसानों मजदूरों की नाराजगी का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, उसी तरीके से किसान मजदूरों की और भी ज्यादा नाराजगी का सामना उनको करना पड़ेगा आगामी विधानसभा इलेक्शन में।